हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है? मान लो कोई आवेश है, ठीक है, आवेश अनंत पे है, ठीक है, इसको विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। मान लो कोई कोरोना पेशेंट है, ठीक है, वो क्या है, रायगढ़ का रहने वाला है लेकिन दिल्ली में रहता था, तो वहाँ से रायगढ़ तक लाने में कुछ न कुछ कार्य हुआ है, ठीक है, तो वो क्या है, कोरोना संक्रामक विभव कहलाएगा। वैसे ही प्रकार से यहाँ पे क्या है, मान लो इन्फिनिटी है, अनंत है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वो कहलाता है स्थिर वैद्युत विभव। अब ये अनंत पे मान लो क्यू जीरो चार्ज है, ठीक है, इसको हम लोग परीक्षण आवेश बोलते हैं। तो क्यू जीरो चार्ज को ये अनंत पे है, इसको विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक जो लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? स्थिर वैद्युत विभव कहलाएगा, ठीक है। तो विभव को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा ये, और अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है, मींस किया गया कार्य, ठीक है, अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी एक बिंदु तक। अब इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। अब देखो स्थिर वैद्युत विभव दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक विभव, एक ऋणात्मक विभव। अब धनात्मक विभव क्या होता है? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर विद्युत क्षेत्र जो है उसके विपरीत कार्य करता है तो वो क्या होगा? धनात्मक विभव। विपरीत कार्य करना मीन्स ये जो है प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। अब यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र में एक प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, मीन्स उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा? एक धनात्मक आवेश हो जाएगा, ठीक है, धनात्मक विभव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अनंत पे जैसे प्लस क्यू चार्ज है, वो विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पे आया और यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक विभव है, ठीक है, यहाँ पे ऋण आवेश है, तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा, मीन्स ये उसी क्षेत्र में ही कार्य करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऋणात्मक विभव हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार धनात्मक विभव में क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, मीन्स उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, ऋणात्मक विभव में एक दूसरे से आकर्षित होंगे तो उसी दिशा में ही कार्य करना पड़ेगा, तो इसको ये इसको बोलते हैं धनात्मक विभव, इसको ऋणात्मक विभव। अब आते हैं विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? दो विभव में अंतर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर, ठीक है। आप यहाँ पे देखते हैं बिंदु ओ पर धनात्मक आवेश प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और मानते हैं कि इसमें विद्युत क्षेत्र में ए और बी दो बिंदु हैं, ठीक है। अब इसके कारण ये प्लस क्यू आवेश के कारण ये जो बिंदु ए पर है ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या है, धनात्मक विभव होगा, ठीक है। अब बिंदु ए से बिंदु बी तक इसको ले जाने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा क्योंकि इसमें प्रतिकर्षण होगा, तो वह कार्य क्या कहलाता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या है, विभव में अंतर होता है, तो वह कार्य कहलाता है विभवांतर। मीन्स एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र की एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को ही क्या कहते हैं, दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहते हैं। मीन्स ये जो धनात्मक आवेश प्लस क्यू आवेश है इसको बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, इन दोनों बिंदुओं का विभव में अंतर कहलाता है, तो वो विभवांतर है। अब देखो बिंदु ए के लिए जो अंतर होगा वो क्या होगा, वी ए हो जाएगा, और बी के लिए क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा, ठीक है। मीन्स टोटल वी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, और ये क्या है, विभव के डेफिनेशन से है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। अब देखते हैं स्थिर वैद्युत संरक्षी बल, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर स्थिर वैद्युत संरक्षी बल में क्या होता है, दो बिंदु लेते हैं हम लोग ए और बी, ठीक है। अब इसको ए से बी तक लेने के लिए पाथ एक पाथ लेते हैं, और बी से ए तक जाने के लिए पाथ दूसरा पाथ लेते हैं, ठीक है। तो इस पर जो है बिंदु ए से बी तक जाएंगे तो ये फर्स्ट पाथ में क्या है, इसी डायरेक्शन में है, मीन्स क्या होगा, इसमें जो कार्य होगा
डब्ल्यू ए बी कार्य डब्ल्यू ए से बी तक आए तो क्या होगा डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, ये जो कार्य हो रहा है ये डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नॉट होता है, तो ए से बी तक आए वही वाला कार्य हुआ तो क्या होगा डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा, और जो इनके विभव में अंतर होगा वो क्या होगा बी से ए होगा, ठीक है। विभव क्या है, कार्य के विरुद्ध कार्य करता है, मीन्स बी से ए की ओर होगा तो ये बी बी माइनस बी ए हो जाएगा, जबकि यह जो कार्य है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का जो कार्य है ये विद्युत क्षेत्र है और ये विद्युत विभव का है, ठीक है, ए से बी तक आने में जो कार्य होगा वो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा, जबकि इनके विभव में जो अंतर होगा बी बी माइनस बी ए हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अब हम लोग दूसरा पाथ लेते हैं, दूसरा पाथ बी से ए तक, ठीक है, अब देखो डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी ए, अब देखो इसमें कार्य क्या होगा बी से ए तक वो कार्य करता है, ठीक है, तो डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा, जबकि विभव क्या होगा इसके अपोजिट में होता है, ठीक है, तो बी ए माइनस बी बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देते हैं, समीकरण एक और समीकरण दो, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट प्लस डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट, तो ये भी एड हो जाएगा बी बी माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एकांक धनावेश को स्थिर विद्युत क्षेत्र के बंद परिपथ में चलाने के लिए किया गया कार्य क्या होता है शून्य होता है, मीन्स इस बंद परिपथ में चलाने के लिए क्या होता है कार्य जो है शून्य होता है, तो इसीलिए क्या है विभव जो है स्थिर है, ठीक है, इसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कोई सभी एक बिंदु आवेश है उसके कारण किसी बिंदु पर क्या विभव होता है, मींस यहाँ पे हम लोग को किसी कोई सा एक बिंदु है उस पे हम लोग को भी निकालना है विभव भी, ठीक है। अब देखो बिंदु ओ पर क्या है प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पे हम लोग को विद्युत विभव ज्ञात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ए और बी दो बिंदु है, ठीक है, ए पर जहाँ पर क्या है हम लोग क्यू नॉट चार्ज लेते हैं जिसको हम लोग परीक्षण आवेश बोलते हैं, और इन दोनों की जो दूरी है एकदम अल्प है जिसको डी एक्स है, और ओ से बिंदु ए तक की जो दूरी है वो क्या है एक्स है, ठीक है। अब देखो हम लोग पिछले बार भी पढ़ चुके हैं कि कूलॉम का नियम क्या होता है, अब बिंदु ओ से एक्स दूरी पर, बिंदु ओ से एक्स दूरी पर क्यू नॉट आवेश के कारण जो बल लगेगा वो कूलॉम के नियम से क्या होगा F इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्यू और क्यू नॉट दो आवेश है, कूलॉम के नियम में भी दो आवेश होता था क्यू वन क्यू टू अपॉन एक्स स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे x डिस्टेंस है तो x होगा, वहाँ पे r होता था तो r होता था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये जो परीक्षण आवेश है ये क्या है इसके विपरीत कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस q आवेश है यहाँ भी क्यू प्लस क्यू आवेश है तो एक दूसरे को क्या प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है, तो ए से बी तक जो किया गया कार्य हो जाएगा वो क्या होगा डी डब्ल्यू, अब देखो एफ है, ठीक है, और ये डी एक्स है, ठीक है, तो डी एक्स माइनस क्यों है क्योंकि ये जो कार्य है हम लोग को ए से बी तक कार्य करना है तो इधर आया और फोर्स इधर आ रहा है, मीन्स फोर्स इधर और हम लोग को वर्क करना है ए से बी इधर, ठीक है, तो क्या होगा ये माइनस डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये छोटा सा वर्क है इसको हम लोग को बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है, बायो वालों को थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन इंटीग्रेशन मैं अलग से एक आध वीडियो में इंटीग्रेशन ही बताऊंगा, उसमें पूरा फॉर्मूला बताऊंगा तो उसके लिए दिक्कत नहीं होगा, और मैथ्स में जब पढ़ाऊंगा तो वो वीडियो भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू, जब हम लोग इसका डी डब्ल्यू को इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या हो जाता है डब्ल्यू हो जाता है, ठीक, मीन्स अगर छोटा कार्य है अगर इसको बड़ा करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और बड़ा जो कार्य है उसको छोटा करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये W इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे डी डब्ल्यू का, ठीक है, तो अब देखो ये बिंदु जो है इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है ये आर तक, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी टू आर एफ इंटू डी एक्स, ठीक है, अब ये माइनस है, अब एफ का मान दिया है क्या दिया है वन अपॉइंट फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, अब देखो माइनस इन्फिनिटी टू आर वन अपॉइंट फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या क्या जाएगा क्यू माइनस क्यू क्यू नॉट फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के, अब यहाँ पे बच जाएगा क्या ओनली वन अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है,
वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। जब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर दिए हैं x के पावर माइनस टू। ठीक है, अब देखो x के पावर माइनस टू है तो अब इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या है, सॉरी इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x के पावर माइनस टू है तो x के पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। इसका फॉर्मूला होता है x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, n प्लस वन। अब देखो यहाँ पे n के जगह में क्या है, माइनस टू है, मीन्स x के पावर में माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, यहाँ पे देखो n। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस टू प्लस वन मीन्स x के पावर में माइनस वन बचेगा। ठीक है, अगर इसको ऊपर नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस टू प्लस वन मीन्स क्या बचेगा, माइनस वन ही बचेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स और सॉरी इन्फिनिटी और आर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट को पुट करते हैं। ठीक है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो अब देखो अपर लिमिट को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन आर हो जाएगा, माइनस वन एक्स के जगह में क्या होगा, आर होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इन्फिनिटी है तो प्लस वन प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में जब आता है तो ये माइनस होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वन अपॉन इन्फिनिटी। और हमेशा वन अपॉन इन्फिनिटी का मान होता है जीरो, और वन अपॉन जीरो इक्वल टू होता है इन्फिनिटी। इस बात को हमेशा याद रखना कि वन अपॉन इन्फिनिटी हमेशा जीरो होता है और वन बाई जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस वन बाई आर। ठीक है, तो अब माइनस वन बाई आर है और इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू क्यू नॉट अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग बिंदु विभव, विभव भी इक्वल टू क्या होता है, डब्लू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब ये डब्लू का मान यहाँ पे दिया है, भी इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, डब्लू का पूरा मान यहाँ पे रखेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्यू नॉट से ये जो क्यू नॉट है और नीचे जो हम लोग डिवाइड करेंगे इसका मान जब रखेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू अपॉन आर। ठीक है, अब देखो मान लो वायु अनिर्वात है, ठीक है, वायु अनिर्वात है तो के का मान क्या होता है, वन होता है, तो यहाँ पे भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर हो जाएगा। यही क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक है, थैंक यू।